सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट रोस्टर। दिस इज़ राम सोनी। एमपीपीएससी 2023 मेंस को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है। फैसला तो नहीं कह सकता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है। फैसला तो अभी होने वाला है, अभी तो बहुत सारी सुनवाई होगी, उसके बाद फैसले आएंगे। तो यहाँ पर मामला क्या है, दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, क्या उनके द्वारा कहा गया है। पहली बात तो कही गई कि हमारे कुछ पिटिशनर्स को एमपीपीएससी मेंस का फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा, बट वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उन पिटिशनर्स को अलाउ किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने पिटिशन लगाई है सिर्फ उनको ही बस कुल फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। वही फॉर्म भरने का मौका कब तक दिया जाएगा, कल मतलब 8 मार्च को दोपहर 2 बजे तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। एमपीपीएससी के ऑफिस में जाकर फिजिकली आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं होंगे, फिजिकली आपको जाकर प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी के ऑफिस में फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है एमपीपीएससी को। दूसरी बात यह है कि एमपीपीएससी 2023 मेंस की जो डेट है वो पोस्टपोन नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि शायद हो सकता है डेट पोस्टपोन हो जाए, लेकिन नहीं पोस्टपोन हो रही है। जिन लोगों ने रिट पिटीशन लगाई थी उनको प्रोविजनली एग्जाम में बैठने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से एग्जाम डेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एग्जाम डेट टाइम से होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको दिए गए हैं। तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं लास्ट में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया, चूंकि ऐसा मामला है कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने उन क्वेश्चंस को सही किया था, उनको मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाईकोर्ट का कहना है कि यहाँ पर जिन लोगों ने रिट लगाई है सिर्फ उनको ही बेनिफिट दिया जाएगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है, ये कोई पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है कि वहाँ पे हर किसी को मौका दिया जाए। तो आने वाले कल में आपके लिए भी एक मैसेज है कि जब भी आप जस्टिस चाहते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से एक वकील से बात करिए और रिट लगवाइए, अदरवाइज आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप जब न्यायालय के पास जाएंगे तभी आपको न्याय मिलेगा। हालांकि ये काफ़ी हास्यास्पद है कि एमपीपीएससी ने जिस तरह से अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, उन्होंने जो फैसले लिए हैं, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ वो समझ से परे है। लेकिन फिर भी जो आज हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन हैं एमपीपीएससी को, उसके बारे में आज आपको जानकारी दी गई है। और फर्दर आने वाले कल में कोई अपडेट होती है तो उसके बारे में आपको फर्दर जानकारियाँ दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप लोगों को एमपीपीएससी मेंस 2023 के लिए ऑल द बेस्ट, एमपीपीएससी 2024 के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। वो तो एग्जाम आपके 28 अप्रैल को होने ही है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप अप फॉर एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।